हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि जब देश के गृह मंत्री CAA का प्रस्ताव संसद में रख रहे थे तो कुछ लोगों ने इसके विरोध की भी बात कही थी। इस देश में 15 अगस्त 1947 के बाद से जो लोग यहां आकर शरणार्थी बनकर बैठे हुए हैं, उन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया। उनके लिए राहत भरी खबर है क्योंकि यह किसी को निकालने का नहीं जोड़ने का विषय है, क्योंकि CAA जो कल लागू हो गया है उसका स्वागत करना चाहिए। ये नागरिकता देने वाला कानून है, इसका संदेश भारत से जोड़ने का है, बिखरने का नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि नागरिकता देने वाले इस कानून का विरोध नहीं होना चाहिए, इस कानून से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, बल्कि आज़ादी के बाद से भारत में जीवन बिता रहे लोगों को नागरिकता मिल जाएगी। यह उनके जीवन में खुशियों के पल लाने वाला कानून है, सभी को मिलकर इसका स्वागत करना चाहिए। इस कानून को लेकर किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, मुझे लगता है कि जब देश के गृह मंत्री जी इसका प्रस्ताव संसद में रख रहे थे तो कुछ लोगों ने इसके विरोध की भी बात कही थी। मैं आज ये मानता हूँ कि इस देश में जो नागरिकता देने की बात है उन लोगों को भी बात है जो 15 अगस्त 1947 के बाद आज आकर के इस देश में शरणार्थी बनकर के बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया है। यह किसी को निकालने का नहीं बल्कि जोड़ने का विषय है। इस नाते CAA हर स्थिति में जो कल लागू हो गया है उसका स्वागत करना चाहिए। संदेश भारत से जुड़ने का है, संदेश भारत से बिखरने का नहीं है।